बी ऑन टूर मीन्स कि आपको एकोमोडेशन, तो इसमें हमारे पास 5 एंड बिलो, ये मैं ग्रेड उसकी लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 5 एंड बिलो लेवल के लिए अलग पार्ट है, 6 to 8 अलग है, 9 to 11 और 12 एंड 13। तो हमारा बेसिकली 12 लेवल तक ही जाते हैं हमारे पास, जो प्रिंसिपल का होता है 12 लेवल पे आते हैं प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं 5 एंड बिलो लेवल, इनका जो होटल चार्जेस होता है, इनको 450 पर डे मिलता है होटल एकोमोडेशन या गेस्ट हाउस, और नॉन एसी टैक्सी अलाउड होती है इनको। जो विद इन सिटी ट्रैवल करना होता है, इसमें 113 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग इनको मिलता है। एंड फूड बिल का रियम्बर्समेंट होता है 500 पर डे, जो कि फ्लैट रेट से होता है। इसके लिए हमें कोई बिल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट 6 to 8 लेवल, जैसे PRT, TGT एंड PGT इस पे फॉलो होता है। इसमें होटल चार्जेस हैं 750 रुपीज पर डे, इसमें कोई बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। देन इसके बाद नॉन एसी टैक्सी से वो ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि 225 रुपीज पर डे होता है, जिसका लिमिट विद इन सिटी का होता है ये। देन नेक्स्ट इनका फूड बिल है अप टू ₹800 पर डे, और इन सब के लिए हमें कोई भी बिल या वाउचर की जरूरत नहीं पड़ती है। देन 9 to 11 के लिए हमारे पास सिर्फ होटल एकोमोडेशन का 225 पर डे है, 2250 2250 रुपीज पर डे। नॉन एसी टैक्सी 338 रुपीज़ विद इन सिटी ट्रैवल, और फूड बिल इनका 900 हो जाता है। ऐसे ही 12 एंड 13 जो प्रिंसिपल्स का लेवल आता है, उसमें 4500 पर डे एकोमोडेशन का मिलता है, एंड एसी टैक्सी चार्जेस होते हैं 50 किलोमीटर पर डे ट्रैवल विद इन द सिटी। रिम्बर्समेंट फूड बिल का होता है 1000 पर डे। नाउ हम आते हैं होटल चार्जेस पे। तो होटल चार्जेस में क्या होता है, अप टू 8 लेवल हमें कोई भी बिल दिखाने की जरूरत नहीं है, बट 8 एंड सॉरी 8 नहीं 9 एंड अबव हमें इसमें होटल चार्जेस के लिए बिल्स लगाने पड़ते हैं, वाउचर्स क्लेम करने के लिए वाउचर्स लगाने पड़ते हैं। और सपोज कोई एम्प्लॉय किसी एक्स सिटी में किसी को डेप्यूट किया है किसी ट्रेनिंग के पर्पज से, कोई ऑफिशियल टूर पे, तो एक्स सिटीज में उसका 1000 पर डे वो क्लेम कर सकता है स्टे चार्जेस, होटल चार्जेस जो होते हैं। बट उसके लिए उसको एक वाउचर लगाना पड़ेगा उसका होटल का। और जब भी हमारा बीएनएस अलाउंस जो 50% क्रॉस करेगा, तो ये जितने भी अलाउंसेस हमने बताए हैं 25% से इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं होटल एकोमोडेशन की, तो 750 अभी है, अगर सपोज डीए हमारा 50% इंक्रीज हो जाता है, तो ये 938 रुपीज हो जाएंगे। और जो 800 पर डे हमें फूड बिल मिलता है, ये 1000 रुपीज हो जाएगा डीए 50% क्रॉस करने के बाद, जो अभी हमारा करंटली 17 चल रहा है। नेक्स्ट आता हमारा ट्रैवलिंग चार्जेस। तो ट्रैवलिंग चार्जेस के लिए मैंने ऐसे बता दिया है ऊपर ये, बट इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म चाहिए होते हैं हमें, चाहे हम होटल चार्जेस कर रहे हैं जिसमें हमें होटल के बिल्स नहीं लगाने हैं, उसमें सेल्फ सर्टिफिकेट्स होते हैं कि हम इस होटल में रहे हैं या हमने यहाँ ट्रैवल किया है, हमारा इतना खर्चा हुआ है। आप उसमें अगर कम क्लेम करते हैं तो आपको कम मिलेगा, अगर आप उसमें ज़्यादा क्लेम करते हैं तो जो सीलिंग लिमिट है वहाँ तक आपको रीइंबर्स होगा। देन उसके बाद आती है फूडिंग चार्जेस में। फूडिंग चार्जेस हमारा फ्लैट है, जैसे हमने बताया है 5 एंड बिलो के लिए 500, 6 एंड 8 ये मैं लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स जो है पे मैट्रिक्स। तो 6 एंड 8 के लिए 800, 9 एंड 11 के लिए 900, 12 एंड 13 के लिए 1000 पर डे। तो ये फ्लैट रेट भी सेम इंक्रीज हो जाएगा, जब 50% हमारा डीए इंक्रीज होगा तो 25% से सारे चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे सारे। बट इसमें एक टाइम लिमिट होती है, रिस्ट्रिक्शन, कि किसी भी दिन अगर आप आउट स्टेशन पर रहते हैं या ऑफिस ड्यूटी पर रहते हैं जिसकी टाइमिंग 6 आवर से कम है इन वन पर्टिकुलर डे, तो आपको 30% ऑफ दिस लमसम अमाउंट मिलेगा। जैसे लेवल हम 5 एंड बिलो के लिए 500 है, तो इसका हमें 30% ही मिलेगा अगर हमारी उस दिन की 6 आवर से कम की ड्यूटी होती है। अगर हमारा 6 to 12 के बीच में होता है, तो हमें 70% ऑफ लमसम अमाउंट मिलता है। सेम ऐसे ही इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज ग्रेटर देन 12 आवर्स, मीन्स 12 to 24 या फुल डे हो जाता है, तो वो फिर हमें 100% इसकी लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट पीए ऑन टूर पे आते हैं हम, तो हमें क्या क्या अलाउड है। जैसे हम बेसिकली 6 to 8 की बात करते हैं, तो
ट्रेवल एंटाइटलमेंट जो हमारा है एयर से इकोनॉमी क्लास, ये सिर्फ हम टूर पे बात कर रहे हैं, एलटीसी या हम प्राइवेट अफेयर्स पे नहीं जाते हैं। सिर्फ हम ट्रेनिंग पे या स्कूल ऑफिशियल ड्यूटी पे जब भी जाते हैं तो हम इसको अवेल कर सकते हैं। इकोनॉमी क्लास अगर हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास, ट्रेन से जा रहे हैं तो सेकेंड एसी, और अगर हम स्टीमर से जा रहे हैं जो कि अगर आइलैंड किसी आइलैंड पे है, अगर कनेक्ट होता है जिसमें हमारा रोड रूट नहीं है और हम स्टीमर का यूज करते हैं, तो उसमें लोअर क्लास, अगर दो क्लासेस हैं तो लोअर क्लास हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम शिप से या अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में जाते हैं ऐसे शिप से, तो उसमें हमारा होता है फर्स्ट ए केबिन क्लास, ये हमें एंटाइटलमेंट है। माइलेज अलाउंसेस की बात आती है, तो इसमें हमें क्या होता है, एक पब्लिक बस जो हम एसी बस, हमें 6 to 13 में अलाउड है एसी बसेस ले सकते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उस पे, और एसी टैक्सी ले सकते हैं हम जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं, और या फिर सेम ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो फ्लैट रेट किलोमीटर के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कितना रेट चलेगा या कितना पर किलोमीटर रेट होता है, और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल बॉडीज ने ये डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऑटो रिक्शा ओन स्कूटर के लिए 12 रुपीज पर किलोमीटर एंड टैक्सीज ओन कार के लिए 24 रुपीज पर किलोमीटर चलता है। और वन मोर थिंग, अगर हम शेयर्ड ऑटो शेयर टैक्सी यूज करते हैं तो इसका जो लिमिट है किराए का वो आपका 50% ऑफ नॉर्मल रेट जो होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए अगर आप शेयर कर रहे हैं। मीन्स सपोज आपको यहाँ से किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है और उसका जो 100 रुपीज़ बनता है रेट किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और आप 2, 3, 4% उसको शेयर करते हैं, तो आपका 50 रुपीज़ से ज़्यादा पर कैंडिडेट या पर एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और एक अभी बीच में बात हुई थी रिजर्वेशन चार्जेस की, तो अगर आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो रिजर्वेशन चार्जेस भी आपको फुल रिएम्बर्समेंट होते हैं, मगर आपको रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर मोड का करना है। मीन्स जैसे ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रेन से कर रहे हैं, अगर फ्लाइट के लिए एलिजिबल हैं तो फ्लाइट के भी आपको रिजर्वेशन चार्जेस सब रिएम्बर्स होगा। और इसमें एक बात जनरली देखी जाती है कि रीजनल ऑफिस हमें कभी ड्यूटी अपॉइंट कर देता है और इन 11th आवर वो कैंसिल कर देता है कि ये प्लान कैंसिल हो गया, ये मॉडिफिकेशन हो गया है, उस केस में हमें टिकट्स को कैंसिल कराना पड़ता है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हमें कैंसिलेशन जो चार्जेस होते हैं वो रिफंड हो जाते हैं, और मीन्स हम उसको रिइम्बर्स कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए होता है, जो हमें ड्यूटी लगाई है रीजनल ऑफिस ने जिस लेटर के अकॉर्डिंग, तो वो हमें एक लेटर रखना है, प्लस हमारे रिजर्वेशन टिकट्स की कॉपी रखनी है, और जो हमने कैंसिलेशन किया है उसको रख के हमें एक नॉर्मल जो हम TADA क्लेम करेंगे उसमें फॉर्म में हम कर सकते हैं, तो वो भी हमें रीएम्बर्स हो जाता है, क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे या आपकी तरफ से मिस्टेक नहीं है, वो रीजनल ऑफिस या अब अथॉरिटीज ने उसको शेड्यूल रीशेड्यूल किया है, उस वजह से आपको कैंसिल कराना पड़ रहा है। और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एयर ट्रैवल एंटाइटलमेंट हैं तो आप जो इनकी ऑथराइज डीलर हैं आप उन्हीं से ही इनको बुक कराएं, अदरवाइज आप IRCTC से बुक कराएं, और फिर इनके पर्टिकुलरली वेबसाइट पे जाके, जैसे एयर इंडिया है तो एयर इंडिया के वेबसाइट पे ही जाके आपको कराना है। अदरवाइज अगर आप सपोज गो या अलग अलग जो भी आपके मेक माई ट्रिप प्राइवेट एजेंसी है यहाँ से बुक कराते हैं तो आपको वो रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। और उस केस में देखा जाता है कि एम्प्लॉय ये बोलता है कि हमें ये नहीं दे रहे हैं, आप प्राइवेट का नहीं दे रहे हैं, तो आप ट्रेन का एंटाइटलमेंट या ट्रेन के आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए ट्रेन फेयर पे, तो वो ट्रेन फेयर पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है क्योंकि आप एलिजिबल हैं एयर फेयर के लिए। इसमें सर अजय सर एक चीज हो सकती है ना,
मान लीजिए आप IRCTC से टिकट बुक कर रहे हैं, और जी सर, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव दी गवर्नमेंट्स मनी, गवर्नमेंट्स फंड, ठीक है। आप करेक्ट IRCTC करेक्ट से बुक कर रहे हैं और IRCTC पे टिकट आ रही है 10,000 रुपीज़ की, और आप किसी राइट और वेबसाइट से बुक करते हैं, वहाँ पे आपको 7,000 की या 6,000 की मिल रही है टिकट, तो आप जी सर वहाँ पे आपका पैसा दूसरी वेबसाइट से बुक करने पे सेव हो रहा है, बट आपकी रिम्बर्समेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से हम जी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं और IRCTC से या किसी ऑथराइज्ड जो डीलर हैं गवर्नमेंट के, उनसे बुक करते हैं टिकट, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। तो इस केस में हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब हम IRCTC का या उस ऑथराइज डीलर की वेबसाइट से प्रिंट ले लें कि इस डेट पे इतने बजे इतने रुपए की टिकट यहाँ पे अवेलेबल थी, और आपने किसी अदर वेबसाइट से टिकट बुक की और वहाँ पे आपको इतने रुपए सेव हो गए, तो वो अल्टीमेटली पैसा जो है वो गवर्नमेंट का ही सेव हुआ है। और LTC ये यस TADA रूल्स और LTC रूल्स ये कहते हैं कि आपको हमेशा मतलब हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आप किसी तरह गवर्नमेंट का पैसा बचा सकें। तो उस केस में क्या हम रिम्बर्समेंट ले सकते हैं? हाँ, केवल अगर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप लेते हो तो अवेल कर सकते हो आप प्राइवेट का भी। उसमें आपको दोनों आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे कि IRCTC में इतना था, मैंने प्राइवेट में बुकिंग में कराया तो इतना है, और इस तरह से अगर आप दोनों सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आप इलिजिबल होते हैं, मिल सकता है आप। सर, बट मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है कि शायद क्योंकि IRCTC से आप बुक करते हैं तो वो भी एक क्या है गवर्नमेंट का है, केवल केवल तो नाइन अगर से आप नीचे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ओनली रहे हैं तो वो बेनिफिट ओनली गवर्नमेंट को लेवल जा रहा नाइन है, से प्राइवेट को नीचे नहीं जो जा है, रहा। अगर ट्रेनिंग पीरियड में, अगर वो ट्रेनिंग पीरियड में अगर लेवल नाइन से नीचे हैं तो वो कर सकते हैं प्राइवेट में भी। हाँ, लेवल 9 से नीचे वाले प्राइवेट में भी कर सकते हैं, और लेवल 9 से ऊपर वालों को तो मैंडेटरी है, उनके लिए तो स्पेशल लिखा हुआ है कि आपको IRCTC से ही करना है, और या बालमेर लॉरी से या अशोका ट्रेवल से ही करना है। सर, फिर भी ट्रेनिंग मेरी में अगर पर्सनल लेवल एडवाइस। 9 से नीचे या लेवल 5 तक का भी हो तो वो भी जा सकता है, मगर उसको दोनों टिकट दिखाने पड़ेंगे। सर, फिर भी यहाँ पे पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप गवर्नमेंट का फायदा सोचने के चक्कर में अपना नुकसान ना करें, कि कई बार रूल्स का डाउटफुल है इंटरप्रिटेशन सर, गलत होता डाउटफुल है। है बहुत जगह। सर, मैंने देखा है ऑडिट रिकवरी खुल जाता हाँ है के चक्कर में। मैं भी वही कह रहा हूँ, ऑडिट कई बार कर जाता है ऐसे, लेकिन अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे रूल का और करेक्टली उसे सर्कुलर को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें लिखा हुआ कि आपको उसमें ऐसे नहीं लिखा होगा कि आपने IRCTC की जगह इससे बुक कर सकते हैं, बट उसमें ये आपको मिल जाएगा कि आपको हर संभव प्रयास करना है गवर्नमेंट का पैसा बचाने के लिए। तो उस एक केस में इसमें आप मैं ये ले भी सकते हैं नुकसान रिम्बर्समेंट। निकाल रहा हूँ कि पिछले साल मैंने देखा था बेंगलोर से चंडीगढ़ का जो ये मतलब गवर्नमेंट एयर इंडिया का था 12,000 जो दिखा रहा था, और मैंने प्राइवेट से देखा तो ओनली वो 4,000 का था। तो अगर हम LTC क्लेम कर रहे हैं तो ये चलो गवर्नमेंट का फायदे के चक्कर में अपन नुकसान नहीं करवा सकते, लेकिन इसमें हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, सर हम वो 12,000 का टिकट खरीद रहे केस हैं। में आपको ट्रेनिंग में अगर आप जा रहे हो तो आप एडमिशन हो, मगर प्रिंसिपल को इंटीमेट करना होता है कि मैं प्राइवेट ट्रेवल में, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में इतना है और मैं प्राइवेट में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरा 4,000 ही लग रहा है, इसलिए उस केस में आप एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं प्राइवेट ट्रेवल। पवन सर, जी सर, मेरी बात शायद आप समझ गए क्या? उसमें ये है कि जैसे अगर मैं प्रिंसिपल को पहले ही इंटीमेट कर दूं कि बिल्कुल भाई बिल्कुल मैंने IRCTC में इतना इतना रेट है, और मैंने अगर प्राइवेट एयरलाइंस को उसमें लगभग इतना है, बात सर तो यही है, वो बस इतनी परमिशन, सी बात है कि आपको उस परमिशन को आपको मांग सकते हैं, वो एलिजिबल है आप। आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोड्यूस करना है कि हाँ आपने जो टिकट करवाई वो सस्ती टिकट थी। हाँ, तो वो आप क्लेम ले सर, सकते हैं। बेसिकली बेसिकली देखा जाए गवर्नमेंट का ये फंडा ये है कि आप गवर्नमेंट एजेंसी को प्रमोट करें, अगर सारी प्राइवेट अगर एयरलाइंस आप सर ट्रेनिंग है, सस्ते में देती ट्रेनिंग हैं में और आप आप वहां बुक प्राइवेट में कराते भी हैं। ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेनिंग पीरियड जो भी हो, किसी भी टाइप का वर्कशॉप है या उसमें आप प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल है, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल जहां तक LTC है या फिर लेवल 9 के लोगों की बात है, उनके लिए पर्टिकुलरली IRCTC या जो ट्राइब है उन्हीं के लिए है, पर अदरवाइज अगर आप किसी तरह का कोर्स पर हैं या किसी तरह की ट्रेनिंग पे हैं तो आप प्राइवेट में कर सकते हैं, इसका बाकायदा मेरे पास भी एक सर्कुलर है। ठीक है सर, आप वो सर्कुलर शेयर कर दीजिएगा। सर आगे नेक्स्ट पॉइंट, सर अजय सर,
हेलो अजय सर, आई थिंक अजय सर लेफ्ट हो गए हैं। भूषण सर, अगर कुछ रह गया है इसमें TADA में तो आप क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग हाँ, फिनिश करते मैं हैं। दो चार जो कॉमन डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीए की। कई जगह ऐसा होता है कि भाई 6 घंटों से अगर आपकी जर्नी का या कुछ रहता है तो वो आपको डीए ग्रांट नहीं होता है, या इस तरह के केस में। तो इसका नियम यही है कि आपकी अगर 6 आवर्स से अबोव अगर आपका वो है तो आप डीए के लिए एलिजिबल हैं। अब उस केस में कई बार प्रिंसिपल ये करते हैं कि भाई आपका पीरियड इतना था, जर्नी पीरियड ये था वो था, तो इसकी मिनिमम कंडीशन यही है कि आपको उसमें स्टेशन पे अगर 6 आवर से ज़्यादा अगर आप शो करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। राइट सर, अब किसी इसी तरह से का पीए का, मैं पीए का क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये 225 रुपये या जो 175 है, इसका मिनिमम ये है। जैसे सपोज करो मेरा होटल मेरे जो स्कूल है वहाँ से केवल 2 किलोमीटर है, तो मैं 225 रुपये के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। उस वक्त तो ये भी देखा जाता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, पर आपको उसके लिए एक स्टेट बोर्ड का या जहाँ से भी अगर जैसे ओला उबेर है तो उसमें किलोमीटर भी शो हो जाता है। तो अगर आपका किलोमीटर उससे ज़्यादा है तो फिर आप 225 के लिए एलिजिबल है। पर अगर मान लो आपका विद इन हाफ 10 मिनट की दूरी पर है कोई होटल, या मान लो आपका विद इन 2 किलोमीटर है, तो फिर आपको उसी हिसाब से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मैं क्लियर हूँ ना पवन इस मामले जी में? बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसी तरह से एक होटल का है कि अगर आपका होटल का, जैसे कुछ लोग क्या होता है 1 दिन पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, उनको लग क्योंकि कोई रिजर्वेशन का होता है, या कई बार उनकी जो जॉइनिंग है वो हमें मॉर्निंग में देनी होती है तो लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। तो और होटल में भी क्या 12 आवर्स का सिस्टम रहता है। इस चक्कर में जो फर्स्ट डे है वो आपका एडमिसिबल है, पर अगर आपका जो जैसे मान लो सपोज आपकी वर्कशॉप 25 की रात को ख़त्म हो गई, तो 25 तक का ही क्लेम आपका उस होटल का बनता है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है TADA को लेके तो आप प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। सर, जैसे रात में नॉर्मली हम लोग ट्रेन जैसे रात में ट्रेवल करते हैं और फिर सुबह 7 बजे अपने हेडक्वार्टर पहुंचे, तो वो 7 घंटे का क्या होता है? उसको डीए क्लेम कर सकते हैं या मिलेगा 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 आर के हिसाब से मिलेगा, घंटों के हिसाब से मिलेगा सर। जो हमने जो सर ने शुरू में बताया था ना, घंटों के हिसाब से, हाँ, उस हिसाब से मिलेगा। स्कूल में ये बोला जाता है कि रात में तो आपने कुछ खाया नहीं, रात में तो सोते हैं, तो कैसे मिलेगा? इस ये दलील दी जाती है सर, नहीं सर इसके आप प्रॉब्लम। सर्कुलर दिखा सकते ये हैं वो पूरे घंटे। दिन का होता है। उस दिन में अगर आपने 6 घंटे जर्नी की है या 6 घंटे अगर आपना वो कोर्स अटेंड किया है तो वो पूरा एलिजिबल है पूरे दिन के लिए। उसमें कोई वैसा कुछ नहीं होता, आपको पेमेंट मिलेगा उसका। मैं इसी में पवन एक चीज और बता दूं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ये एक अलग से सुन के भी लगेगा कि जैसे आजकल हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं या ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें चाय नाश्ता वगैरह मिलता है। हाँ जैसे स्कूल में मान लो मैंने किसी स्कूल में अटेंड किया तो मुझे स्कूल वालों ने खाना भी दिया और नाश्ता भी दिया। हाँ उस केस में मेरे पूरे दिन भर का डीए क्या होगा? तो डीए आपका पूरे दिन का उतना ही होगा, 900 रुपये ही मिलेगा। आठ सौ इवन अगर आपको स्कूल में अगर मान लो 400 रुपये या 500 रुपये खाना भी दिया है हाँ। तो भी आप पूरे 900 रुपये के लिए एलिजिबल है पूरे दिन भर। बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली ये तो होता ही है इंडक्शन कोर्स में, इन सर्विस में या किसी अरे वर्कशॉप जनरली में, क्या होता है ना जनरली ये होता ही प्रिंसिपल या है। जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं जनरली वो ये कहते हैं कि नहीं आपने स्कूल वालों ने उसमें रिलीव में लिखा है क्योंकि अभी इनको TADA और हाँ ये खाना वाना प्रोवाइड कराया गया, तो काट देते हैं, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसा उसमें। कोई अगर रूल आपको नहीं। चाहे मिले चाहे ना मिले, आपको पूरे दिन भर का ही वो पैसा क्लेम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें अगर अगर सर इन सर्विस वगैरह में रुकाया जाता है वगैरह में उसके हाँ जी हाँ जी बोलिए पूरा बोलिए। सर जैसे सीट पर रुकाया जाता है ना कई बार, जैसे आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है इनकी तरफ से, हाँ जी हाँ जी ना उसमें तो उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका एक बिल बकायदा दिया जाता है। हाँ जी हाँ सर। सर इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे जीट है, जीट मैसूर है, और ऐसे कई जगह जीट में हॉस्टल्स अवेलेबल हैं या गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, तो वो पार्टिसिपेंट को वो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं और उसके लिए रिलीविंग के टाइम पे उन्हें बिल भी देते हैं। तो उस केस में
तो उतना ही रिम्बर्समेंट होगा ना जितना केवीएस ने चार्ज किया, उतना ही रिम्बर्स होगा जितना उस स्कूल ने पूरे दिन भर का चार्ज किया। अगर पूरे सुबह से लेकर शाम तक का अगर उस होटल वालों ने आपको बकायदा सर्टिफिकेट दिया है कि मैंने इनसे 200 रुपए लिए हैं, तो 200 रुपए ही एलिजिबल है। क्लियर कर रहा था मैं, कई बार टीचर्स सर वो भी अप्लाई कर देते हैं और अलग से भी अप्लाई कर देते हैं, इसलिए नहीं अलग से नहीं। फिर उसमें अगर हॉस्टल में अगर आप ठहरे हैं या जीत में कहीं ठहरे हैं और उन्होंने पूरे दिन भर का अगर आपसे जो चार्ज किया तो उतना आपको मिलेगा। अजय सर वापस आ गए। अजय सर कोई पॉइंट रह गया है तो बता दीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन लेते हैं और फिनिश करते हैं। ऑलमोस्ट सर सारे हो गए हैं, बस ये ट्रांसफर का रह गया, रिटायरमेंट ये ऑन रिटायरमेंट एंड ये ऑन ट्रांसफर। ओके, ये ट्रांसफर जो होता है जब भी हम किसी या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पे जाते हैं या हार्ड स्टेशन टू नॉर्मल स्टेशन, नॉर्मल टू हार्ड स्टेशन जब भी हम जाते हैं तो हमें TA मिलता है, मींस ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस। जी सर, तो इसमें ये होता है, एक तो हमें मिलती है कंपोजिट ग्रांट और दूसरा मिलता है जो हम अपने गुड्स और जो भी जो हमारा सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन राइट सेटर हाउस होल्ड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कंपोजिट ग्रांट जो मिलती है हमें 80% ऑफ बेसिक जो हम पहले ले रहे हैं जिससे प्रीवियस मंथ में जो हमने जिस मंथ में हमारा हुआ है ट्रांसपोर्ट उसका 80%, बट ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के लिए 100% मिलता है। और ट्रैवल एंटाइटलमेंट जो होता है सेल्फ और फैमिली के लिए होता है। रोड माइलेज जो मिलेगा आपको जो आपके हाउस होल्ड गुड्स हैं उसके लिए आपको रोड माइलेज मिलता है अकॉर्डिंग टू लेवल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आपका सेम स्टेशन पे ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा होता है कि अलग स्टेशन पे ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स जिस स्टेशन पे आप ड्यूटी कर रहे हैं उससे किसी दूसरे स्टेशन में, सेम स्टेशन मीन्स कि एक ही स्टेशन में अगर 2-3 KV हैं तो विद इन दैट KV आप ट्रांसफर जा रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका जो रेजिडेंस, सपोज आपका रेजिडेंस चेंज हो नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको कोई भी ट्रांसफर ग्रांट और ये सब नहीं मिलता है। बट आपका अगर रेजिडेंस चेंज हो रहा है तो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जो कन्वेंस है, आपका जो रेजिडेंस चेंज करने का जो कॉस्ट है वो आपको मिलता है। और इट 1/3 जो 80% मैंने बताया अभी बेसिक सैलरी का, 80% जो मिलता है उसका 1/3 ही मिलता है अगर आपका सेम स्टेशन है। और अगर स्टेशन चेंज हो रहा है और रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा, जब भी आपका रेजिडेंस चेंज होगा तभी आपको ये मिलेगा। अगर आपका रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा, और अगर आपका रेजिडेंस चेंज हो रहा है और स्टेशन भी चेंज हो रहे हैं तो आपको ये फुल बेसिक का 80% मिलेगा। क्लियर है सर। और अब बात करते हैं लेवल की 4 एंड बिलो लेवल को। अगर हम सपोज ट्रेन या स्टीमर से ले जाते हैं तो उसमें वेट के अकॉर्डिंग रेट चलते हैं, तो 4 एंड बिलो के लिए 1500 kgs यानी 1500 kgs आप एलिजिबल हैं। अगर आप उससे ज़्यादा ले जाते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा 1500 kgs तक। लेवल 5 के लिए 3000 kg का रिस्ट्रिक्शन है। लेवल 6-11 के लिए 6000 kg, वो 6000 kg मीन 6 टन आप ले जा सकते हैं। एंड 12 एंड अबव के लिए 6000 kg सेम है, मीन सब कह सकते हैं कि 6 onwards ये 6000 kg होता है। अगर आप रेट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करते हैं तो 4 एंड बिलो के लिए 15 rupees पर किलोमीटर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो लगती है। लेवल 5 के लिए 25 rupees पर किलोमीटर एंड 6 onwards ये 50 rupees पर किलोमीटर, मीन्स अगर आप अपने घर से मीन्स आप अपने घर से अगर 2000 kilometers दूर पोस्टेड हैं और आपका अपने घर के पास या 2000 दूर आपका ट्रांसफर होता है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है, तो आपको ये 50 rupees पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पेड होगा। नेक्स्ट आता है पीएम रिटायरमेंट। तो ये क्या, अगर हम पर्सनल अपनी कार वगैरह ले जाते हैं तो कैसे 50 पर किलोमीटर होता है क्या सर?
नहीं वो गुड्स ले जाने के लिए होता है, हाउस होल्ड आइटम्स ले जाने के लिए, हाउस होल्ड आइटम्स। सर अगर उसमें आप खुद की अपनी कार ले जाते हैं ट्रांसफर में, तो जो सेकंड क्लास ट्रेन का जो फेयर है जो लगेज का वो मिलता है कार के केस में, अगर खुद की कार है। बाकी वैसे अगर आपका सामान अगर लगेज का ट्रक में या बाकी सब जो है वो तो 50 किलोमीटर से मिलेगा, पर अगर आप अपनी कार खुद चला के भी ले जाते हैं या चाहे कैसे भी करके ले जाएं, कार का पैसा ट्रेन की सेकेंड लुक्स के हिसाब में मिलता है। ओके सर। और सेम यही टीए ऑन रिटायरमेंट पे भी होता है कि आपका हेडक्वार्टर से लेकर आपके होम टाउन तक का आपको रेट मिलता है, मींस आप अपने गुड्स को लास्ट जहां पे आप सर्विस कर रहे हैं वहां से लेकर अपने होम टाउन तक आप ले जा सकते हैं, ये उस केस में भी अप्लाई होता है। आप रिटायरमेंट के बाद ये अपना टीएडीए फॉर्म भर के इसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी धीरे सर का 6 मंथ है ना, अब तो उस मैक्सिमम 6 मंथ तक ही, अगर 6 मंथ में अगर ये सारा हाँ जो भी आपको ट्रांसफर टीए क्लेम करना है विद इन 6 मंथ करना है, और जब भी आपका मींस कंप्लीट हो जाएगा ये ट्रांसपोर्टेशन और सब उसके विद इन 2 मंथ, अगर आपने एडवांस लिया है तो विद इन 1 मंथ, और अगर आपने एडवांस नहीं लिया है सॉरी 1 मंथ नहीं 30 डेज ओनली, और आपने अगर एडवांस नहीं लिया है तो 60 डेज के अंदर आपको क्लेम करना है, अदरवाइज प्रिंसिपल उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर गुड्स हम फ्लाइट से ले जाते हैं तो क्या चार्ज मिलेगा? आई थिंक ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ट्रेन के फेयर के साथ। मैं जवाब दूं सर? हाँ सर मैं जवाब दूं प्लीज प्लीज सर। हाँ और उसके लिए ट्रेन के लिए जो ट्रेन का जो एडमिसिबल रेट होगा वो मिलेगा, अगर वो चाहे फ्लाइट से ले जाए चाहे कैसे भी ले, अगर उस स्टेशन पे ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो जहाँ तक ट्रेन अवेलेबल है वहाँ पे ट्रेन तक का, बाकी फिर उसकी वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की रेट के हिसाब से। आई होप इट इज क्लियर। सो अब किसी का कोई क्वेश्चन है टीएडीए रूल्स को लेके तो प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद हम फिनिश कर रहे हैं सेशन को। तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर अगर होता है नॉर्मल स्टेशन टू नॉर्मल स्टेशन, उसमें भी टीए नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं होता मैम। केवल हार्ड स्टेशन पे अगर है तो आजकल रिक्वेस्ट मिलता है केवल हार्ड स्टेशन से, अगर आप किसी सॉफ्ट स्टेशन पे आए अदरवाइज नहीं। हार्ड टू हार्ड, हार्ड टू नॉर्मल, नॉर्मल टू हार्ड और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर एक्चुअली ये फ्लाइट वाला क्वेश्चन मेरा था। हाँ। मेरे स्टेशन अभी रिसेंटली मैं हार्ड स्टेशन पे हूँ और मेरे स्टेशन पे ट्रेन है नहीं, इवन स्टेट में भी ट्रेन नहीं है। okay. मुझे दूसरी स्टेट जाना पड़ता है ट्रेन लेने के लिए, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, तो क्या मतलब क्या रहेगी सर फिजिबिलिटी इसके रिगार्डिंग? इस केस में क्या होता है मैम, जहाँ तक आप दो तरह से इसको क्लेम ले सकती हैं, एक कि जहाँ तक आपकी ट्रेन अवेलेबल है वहाँ तक तो आप ट्रेन का लें और बाकी जो जर्नी है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे प्राइवेट टैक्सी वगैरह का जो रेट है या जैसे कैरियर जो सर्विस होती है उनका प्राइवेट का जो गवर्नमेंट रेट है उस हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जहाँ पे अभी रह रही हैं वहाँ से लेके आप पूरा अपने घर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन का क्लेम कर लें और उसका जो क्लेम होगा वो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, दोनों तरह से आप क्लेम ले सकते हैं। मतलब इनका जो एक्सपेंस होगा फ्लाइट से लाने का वो मिल जाएगा इन्हें, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन अवेलेबल नहीं है। मिल जाता है। हाँ जहाँ तक ट्रेन स्टेशन है वहाँ तक, प्लस वो जो आगे स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट होगी वहाँ उसका जोड़ के दोनों का मिल जाएगा। ओके सर, तो प्राइवेट ट्रक या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हैं ना, वो तो अवेलेबल मिल जाता है। बट सर मान लीजिए नहीं, उसमें क्या होता है ना प्राइवेट का हम इसलिए, जैसे मान लो मैंने बताया कि भाई मान लो एक स्टेशन से वाई स्टेशन तक अगर आपके पास ना कोई ट्रेन की सर्विस अवेलेबल है ना कोई बस की अवेलेबल है, तो उस केस में आप ट्रक पूरा हायर कर ले वहां से लेके वहां तक, तो फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन आपको ट्रेन की रेट से ही करना पड़ेगा, या फिर आप उस किलोमीटर को जैसे आप 50 रुपए बता रहे हो अगर वो 50 रुपए के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अंडमान और आप चाहे ट्रेन में, अगर आप ट्रेन में नहीं ले जाना चाह रहे हैं आप उस ट्रक को अपने घर तक बुक करा लीजिए, 50 रुपीज पर किलोमीटर के रेट से आपको मिलेगा, बस आपको ये है मैंडेटरी कि आपको बिल लगाना जरूरी है। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं। 7CPC के अंडर में बिल लगाना जरूरी है अभी। मतलब सर लेकिन अगर मान लीजिए कोई अंडमान में है
मान लीजिए कोई अंडमान से, नमस्कार सर, सर अजय सर, हाँ? मान लीजिए किसी का ट्रांसफर अंडमान हुआ है या अंडमान से उसका ट्रांसफर हुआ है, तो अंडमान जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सारे हार्ड स्टेशन में आते हैं और वो रिक्वेस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर मान लीजिए, तब उस केस में उनको सामान लाने के लिए कैसे मिलेगा? उसमें ऐसा होता है कि जहाँ तक स्टीमर आपका जाता है, जैसे मान लो अंडमान में आपको केवल स्टीमर अलाउड है या इस तरह के, तो स्टीमर तक का, और बाकी जहाँ से ट्रेन अवेलेबल है वहाँ तक ट्रेन तक। ओके, आई होप मैम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हो गया आपको। एक सवाल था सर। हाँ सर बोलिए। यस सर, ये कि उसके साथ क्या टोल टैक्स की रिसिप्ट वगैरह भी लगानी होती है, सर कुछ होता है? सर अगर आपके पास है तो आप लगा लीजिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, बस आपको बिल ओरिजिनल दिखाना है उसमें। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये स्टेट वाले जो रेट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पर्सनल लेवल पे पता करना चाहें तो स्टेट लेवल के ट्रांसपोर्ट का रेट कैसे पता कर सकते हैं? स्टेट ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिल जाता है सर, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेट मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन विभाग होता है जहाँ से टैक्सी वगैरह या ऑटो वगैरह जहाँ से ये एफिलेटेड होते हैं, जो हम आरटीओ ऑफिस बोलते हैं, वहाँ जाके आप अगर एप्लीकेशन देते हैं, उनकी कुछ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फीस भी होती है, तो वो बाई सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ऑटो रेट है या टैक्सी रेट है या जो ये हमारा ये व्हीकल रेट है। हाँ, अदरवाइज नहीं तो आप स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे जाके भी वो रेट आप ले सकते हैं। हाँ, उनके भी सर्कुलर्स होते हैं, उसमें रेट दिया होता है। और सर जैसे पहाड़ों में क्या है, जैसे आपको मैं हिमाचल का बताऊं, मैं 2-3 ऑडिट पे भी गया हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एक रेट दी हुई है कि भाई हमारे यहाँ पे ये रेट है और इस रेट से अगर कोई ज़्यादा अगर क्लेम करता है तो आपको नहीं देना है। तो ये बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट या कई बार वहाँ का DM भी ऐसे ऐसे रेट डिसाइड करता है, तो जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन विभाग होता है वो इस रेट के लिए जिम्मेदार है, आप वहाँ से भी कुछ पर्टिकुलरली पैसा दे के वो रेट आप ले। अच्छा, मतलब मेन RTI से भी हम उसमें ले सकते हैं उनका सर्टिफिकेट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और था, रिटायरमेंट पे उसका क्या प्रोविजन होता है क्लेम का, तो वो थोड़ा प्रकाश डालिए उसका। जिस बंदे का रिटायरमेंट है उसकी जो लास्ट बेसिक होती है, जो उसकी लास्ट बेसिक होगी वो उस बेसिक को क्लेम ले सकता है उसके घर से लेके जहाँ पे वर्किंग स्टेशन से उसके होम टाउन तक। अगर 6 मंथ में वो अपने दिखाता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूँगा तो वो उसको क्लेम ले सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी, वो आपके गुड हाउस होल्ड का आइटम का भी क्लेम ले सकता है। अच्छा, स्टेट एक ही स्टेट में, और मतलब जैसे दिल्ली में होम टाउन उसका चाहे कहीं भी हो, होम टाउन चाहे कहीं भी हो उसके साथ, और लास्ट बेसिक का सर्विस बुक में, सर्विस बुक में जो लिखा होगा होम टाउन, यानी लास्ट बेसिक जो डाउन करेगा उसको क्लेम कर सकता है एज इट इज। हाँ, वो जो उसका होम टाउन लिखा हुआ है वहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन तक का वो क्लेम कर सकता है। ओके, नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर बोलिए। मैं केंद्रीय विद्यालय कवरत के लक्षद्वीप से हूँ। अच्छा। वेरी हार्ट स्टेशन में आता है। हाँ, हाँ। सर मैं अभी मेडिकल ग्राउंड पे आया हूँ लीव लेके। ओके। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं मेडिकल ग्राउंड पे आया हूँ, मैंने 10 अभी तो कोरोना चल रहा है तो अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो 10 EL मैंने सेंक्शन करवा के मैं आया हूँ लीव पे, लेकिन मुझे मेडिसिन वगैरह चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट, तो UL में कन्वर्ट करवाना, मतलब मैंने एप्लीकेशन दिया है, तो मेडिकल ग्राउंड पे हम आते हैं तो सर्विस ब्रेक होता है या नहीं? मेडिकल ग्राउंड पे सर्विस ब्रेक नहीं होता सर, ये हम काफी पहले कवर कर चुके हैं। और दूसरी अगर आप लेके आए हैं, अगर प्रिंसिपल को आपने इंटीमेट किया है, उन्होंने आपको मेडिकल लीव ग्रांट कर दिए, तो किसी भी सूरत में आपका कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा, और सर मैं ये दूसरा पूछना था कि जो मेरा प्रोबेशन पीरियड ऑलरेडी खत्म हो गया है, 2 ईयर कंप्लीटेड, बट मतलब अभी तक कंफर्मेशन लेटर नहीं आया मिला है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है नहीं क्या? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, कंफर्मेशन का कई बार रीजनल ऑफिस में जो मीटिंग बैठती है या कई बार डीसी वगैरह उनकी जो होती है वो कई बार टाइम पीरियड लेती है, कई बार 2-3 महीने, पर वो डेट ऑफ आपका जिस दिन हुआ है उसी दिन से ग्रांट हो जाता सर, है। कुछ एक्सेप्टेड केस, केवल कुछ एक्सेप्टेड केस है जिसमें अगर किसी की कोई लीव बढ़ गई है, एक्सटेंड हुआ है या कुछ ऐसे अच्छा। केस में तो जरूर उस दिन से ग्रांट होता है, अदरवाइज जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उसी दिन से आपका कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक में हो जाता है। सर अभी हमारा नेक्स्ट वीक, आप आगे का प्लान देख लीजिएगा, कंफर्मेशन के लिए एक सेपरेट सेशन रखा हुआ हमने,
कंफर्मेशन सीनियर स्किल सिलेक्शन स्केल, हाँ आप एक बार वो शेड्यूल देख लीजिएगा अपना हमारा। तो सर एक रिक्वेस्ट है, इस तरह के सेमिनार जब भी रखे जाएँ तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मतलब छुट्टी वाले दिन हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसीलिए सभी की रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने संडे को प्लान किया ये, और आगे से हम संडे को ही करेंगे। अच्छा सर, जो इसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर हैं वो मतलब कौन से जगह पे भेजेंगे, कौन से ग्रुप में भेजेंगे? आप सशक्त शिक्षक सशक्त संगठन वाले ग्रुप में हैं? हाँ सर, मैं हाँ, अभी कल ही जुड़ा हूँ। हाँ ठीक है, उसी में हम शेयर करते हैं, उसी में शेयर करेंगे। हाँ सर, सर वो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी फेसबुक का पेज जो भी है। सर आपने रजिस्टर किया था सेशन के लिए? नहीं सर, वो उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं, मैं मुझे पता नहीं, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देता हूँ, आप अपना मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं जी सर ठीक है, जी सर थैंक यू सो मच सर। और सर्कुलर कार्य उसमें भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भेज देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क, अदरवाइज हम इसे रैप अप कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट अ डे, आज बहुत लंबा हो गया सेशन। सर एक क्वेश्चन मुझे था, बहुत ही परेशान कर सर, ये जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है जो 2017 में हम जो ज्वाइन हुए हैं 10 इयर्स के लिए जो जोनल बेस पे रखा है, तो उसके रिगार्डिंग कोई बात हो चुकी है? तो सर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है सर उसके बारे में, क्या होना है क्या नहीं होना है अभी, तो आप ये मान के चलिए जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आती हैं तब तक पुरानी गाइडलाइंस ही एप्लीकेबल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में क्या होगा। जी सर थैंक यू सो मच सर। यस मैम पूछिए। जी सर एक क्वेश्चन था, जो मेडिकल लीव है वो हम लोगों को नहीं मिलती है ना? नहीं, मेडिकल लीव नहीं है, मेडिकल लीव जैसी कोई चीज नहीं है जी। तो सर अगर किसी को जैसे मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी चाहिए तो वो ईओएल में मानी जाती है जैसे? नहीं, अगर आपके पास ईएल है, अगर उसके पास एचपीएल बची है बैलेंस तो एचपीएल मेडिकल ग्राउंड पे ली जा सकती है, अगर एचपीएल है अगर उसके पास बैलेंस में तो एचपीएल ले सकता है मेडिकल ग्राउंड। हाँ सर, वो एचपीएल का फिर क्या रूल पड़ता है ये थोड़ा बताएंगे, जैसे प्रोबेशन में अभी हम लोग चल रहे हैं। एक्चुअली मैम हम लोग जितने भी नए लोग हैं अभी 2019-20 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, इनके किसी के पास भी एचपीएल नहीं है। एचपीएल पहले होती थी, और 7CPC में एचपीएल वेकेशनल स्टाफ के लिए ख़त्म कर दी गई है, तो एचपीएल हमारे पास नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पे आप ईएल की डिमांड कर सकती हैं, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है सीएल की डिमांड कर सकती हैं, अगर ईएल सीएल नहीं है तो फिर आप अपना आपको ईओएल ऑन मेडिकल ग्राउंड जाना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है जी। सर मेडिकल ग्राउंड में जैसे आपने बोला कि हम लोग जाते हैं मेडिकल ग्राउंड, तो वो ईओएल में कन्वर्ट मानी जाएगी है ना सर? हाँ जी। नहीं, अगर आपके पास ईएल है सीएल है तो आप ईएल सीएल ले सकती हैं मेडिकल ग्राउंड पे, उसमें रीज़न देना होता है ना, कोई भी लीव आप लेती हैं तो उसमें रीज़न देना होता है, मैं इस रीज़न से लीव ले रही हूँ, तो उसमें आप मेंशन कर सकती हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड मेरे को सीएल चाहिए सीसीएल चाहिए या ईएल चाहिए। अगर आपके पास कोई भी लीव बैलेंस नहीं है उस केस में आप जो है आपको फिर ईओएल ऑन मेडिकल ग्राउंड जाना पड़ेगा और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और सर ये मेडिकल जैसे एचपी वाला सिस्टम ये कब खत्म हुआ है सर, थोड़ा बताएंगे? ये 10 दिसंबर 2018 को एचपीएल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया था, और हम जो वेकेशनल स्टाफ हैं हम लोगों को पहले एचपीएल मिला करती थी, 10 एचपीएल जनवरी 1 जनवरी को 10 एचपीएल और 1 जुलाई को 10 एचपीएल मिला करती थी, लेकिन ये 11 दिसंबर 2018 में एक नया गैजेट नोटिफिकेशन आया था और उसमें एचपीएल का प्रोविज़न ख़त्म करके और ईएल लागू कर दी गई, जिसमें हमें 5 ईएल 1 जनवरी को और 5 ईएल 1 जुलाई को मिलती है। जी थैंक यू सर। सर अभी मैं प्रोबेशन पीरियड में चल रही हूँ, मैंने इस साल फेब में ज्वाइन किया और अभी मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो उसका रिएम्बर्समेंट मुझे मिलेगा क्या? प्रोबेशन हुआ तो समझा नहीं, प्रोबेशन में है तो हाँ, और मैं मेडिकल क्लेम की बात कर रहे हैं शायद, मेडिकल क्लेम की मैम मैं मेडिकल क्लेम आपको बिल्कुल मिलेगा, आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमारा लास्ट सेशन का था, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा, आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। यस
यस मैम बोलिए। मैंने जून 2018 में ज्वाइन किया था, तो क्या एचपीएल मुझे मिल सकती है ना? यानी मेरे लिए तो अप्लाई होना ही है। आप कब ज्वाइन किया आपने? जून 2018। हाँ, आपके अकाउंट में कुछ एचपीएल होंगी प्रोरेटा बेसिस पे, 6 या 7 या 8 एचपीएल होनी चाहिए आपके अकाउंट में, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, आपकी सर्विस बुक में मेंशन होगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर अगर हम मेडिकल ग्राउंड से EOI लेते हैं तो वो हमारा सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा जी, बट इन केस अगर हम एकेडमिक एग्जाम के लिए 1 month या फिर 15 डेज का EOI लेते हैं, क्या वो हमारा सर्विस ब्रेक होगा? वो आपका मैम प्राइवेट अफेयर्स पे हो जाएगा EOL, और वो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, वो उसके रिगार्डिंग क्या कैसे आपकी लीव्स को रेगुलराइज करते हैं। जो भी आप EOL पे जब भी जाते हैं ना, तो आपकी लीव को रेगुलराइज कराना पड़ता है। रेगुलराइज कराने के सर्विस ब्रेक का मतलब होता है कि आप अनऑथराइज लीव पे हैं, मीन आपने बताया नहीं अथॉरिटी को और आप लीव पे चले गए। प्रायर परमिशन ले लेते हैं सर प्रिंसिपल सर से, तब वो सर्विस ब्रेक में काम नहीं होगा। कोई सर्विस ब्रेक नहीं होगा। हाँ, आपको परमिशन लेनी है बस हर चीज। अच्छा, आई होप सभी के क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं, और आज 3 घंटे का सेशन हो गया है, काफ़ी लंबा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहा है। मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। सर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, थैंक यू सो मच सर, मतलब मैं लास्ट में ज्वाइन हुआ हूँ, आपका आभार बहुत ही व्यक्त करना चाहता हूँ, मतलब बहुत जानने को लिए मिला। लेकिन सर आप कृपया ये मैं व्हाट्सएप नंबर आपने जो दिया है, तो वो व्हाट्सएप नंबर हाँ प्लीज पूरी डिटेल वगैरह मुझे सेंड कर सकते हो तो आप, और रजिस्ट्रेशन के मुझे थोड़ा सा गाइड करना। हाँ ठीक है, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं किसी लिंक के माध्यम से, प्लीज़ आप नंबर सेव कर लीजिए और मेरे को मैसेज के पिंग कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड होने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता दूंगा। अब मैं रीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा। रीना यादव मैम हेलो, रीना मैम आर यू लिसनिंग? ओके, कोई बात नहीं। जी 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 सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे स्पीकर्स और स्पेशल गेस्ट्स को प्लीज़ आप वोट ऑफ थैंक्स दे दें, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। माय नेम इज रीना यादव, आई एम लाइब्रेरियन KV2 कटक। आप सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ भूषण माथुर सर को, अजय बीस सर को, संदीप नेगी सर को, जिन्होंने आज के टॉपिक्स को जो लीव रूल था उसको बहुत अच्छे से समझाया, और ख़ास तौर पर धन्यवाद देती हूँ पवन सर को, जो उन्होंने एक अनोखी पहल की है, जिससे कि जब एक एम्प्लॉय नया नया KVS में आता है तो कुछ ना कुछ मन में डाउट या सवाल रहते ही हैं रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर, उसको क्लियर करने का काम इस कार्यक्रम ने बहुत अच्छे से किया है, तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड डे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू रीना मैम, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ, ये हमारा 3rd सेशन है इस सीरीज का, और हमने कोई 8 सेशन प्लान किए हुए हैं, तो आगे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे सेशन होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग कनेक्ट रहिएगा और ग्रुप में जुड़े रहिएगा। और हाँ, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं कवर हो पाए हैं, छूट गए हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैंने ग्रुप में सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज भेजने के लिए मना किया है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है काम के तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया सेशन, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, बस थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है पवन सर, एक लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर प्लीज़ बोलिए। हाँ सर, आपको मतलब मैं थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ, ये दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन, ठीक है, थोड़ा मतलब एम्बेरस भी था, शायनेस भी है मेरे अंदर, बट ठीक है, आपकी वजह से, मतलब आपने ये बताया कि भाई किसी चीज़ की शुरुआत तो कहीं से तो होती है, ये फर्स्ट टाइम। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, मीन्स बहुत ही अच्छा बताया आपने, मतलब पहली बार ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार बताया है, इससे डेफिनेटली आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हमारे भी नॉलेज में फायदा होगा। बिल्कुल सर जी, सर जी, और भी बेहतर बनाया जा सकता है इसको, अगर क्रिटिकल पॉइंट में थोड़े एग्जांपल्स वगैरह का सहारा लेके थोड़ा और भी बेहतर बन सकता है, आज का भी बहुत बेहतर था और आगे भी बेहतर ही होगा। बिल्कुल पवन सर, पवन सर एक चीज और ऐड। हाँ सर बोलिए।
ऑफिस में आए थे दोनों। हाँ हाँ। तो मतलब हम यही सोचते थे कि हमें रूल रेगुलेशन के बारे में किसी ने बताया नहीं और आज तक नहीं बताया। बट हमने तो ये इनिशिएट किया है कि मतलब गाइस को ये चीज बतानी जरूरी है और हम उस टाइम बहुत चाहते थे कि हमारे लिए भी ये चीज स्टार्ट हो। बिल्कुल सर, दिक्कत रही है, हम नहीं चाहते उनके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो जैसे भी आप और हम जैसे भी हम जो है। बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ संदीप सर आपसे। एक्चुअली ऐसा ही है, हमने जब ज्वाइन किया 2015 में तो कोई किसी ने हमें कुछ नहीं बताया और हमने रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर में साथ में ज्वाइन किया था और हमें कोई भी काम सीखने के लिए या रूल रेगुलेशन समझने के लिए पुरानी फाइलें पकड़ा दी जाती थी कि आप ये फाइलें पढ़िए और सीखिए। तो उसका हमें फ़ायदा हुआ थोड़ा सा, तो फाइलें पढ़ पढ़ के और रूल्स पढ़ पढ़ के हमने थोड़ा सीखा है और अब हमारी कोशिश यही है कि हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं, वो लोग सभी अवेयर हों रूल्स के बारे में ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होनी चाहिए सर। हाँ, और इसी वजह से कई बार है ना, हमने ये भी देखा है क्योंकि मैं नॉन टीचिंग में भी रहा हूँ और टीचिंग में भी